अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शेफ अल्ताफ और आज हम बनाएंगे यूनिक स्टाइल में कोकोनट हलवा। बहुत लाजवाब बनता है, टेस्ट इसका इतना बेहतरीन है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपकी ये पर्सनल डिश बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कोकोनट हलवा किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मेरे पास एक पैन है और उसमें दूध मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 लीटर। इसको हमने पकाना है कंटिन्यू जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पे मेरे पास एक और पैन है और उसमें मैं ऐड करूँगा घी। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, घी आपने इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी हो तो और भी ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। घी हमारा जैसे ही गर्म हो तो उसमें हमने डाल देनी है पीनट। घी अभी नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद और गर्म हो जाएगा। पीनट को हमने रोस्ट करके निकाल लेना है। इसका कलर ब्राउन नहीं करना, गोल्डन रखना है, जैसे आपको ये लग रहा है वाइट, इसी तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। तो एक मसाले वाली जार में हम इसको डाल के पीस लेंगे। हमारे पीनट हमने पीस लिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमारा जो दूध है वो अच्छे से पक के खुश्क हो चुका है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, जो है मिनिमम जो है 200 ग्राम आप इसमें ऐड कर दें और इसको मज़ीद और पकाएं। शुगर पानी छोड़ेगी, पतला होगा और उसके बाद फिर ये दोबारा गाढ़ा होता जाएगा। वही घी जो हमारा गर्म है और उसमें हम डाल देंगे 1 छोटा कप मैदे का और इसको हमने धीमी आंच पे भूनना है। मैदा यहाँ पे जैसे ही हमारा ब्राउन हो तो उसमें डाल देना है 150 ग्राम कोकोनट पाउडर। कोकोनट का चूरा मिल जाता है वो ले लेना है आपने। धीमी आंच पे इसको भी आराम आराम से भूनेंगे हम। तो माशाल्लाह ये हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। दूध और चीनी इसमें हमने कुछ और ऐड नहीं किया। ये देखें, चूल्हा ऑफ करके इसको हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा बर्तन है उसमें हमने खोपरा और मैदा जो भुना हुआ था, खोपरे को भी हम थोड़ी देर भूनेंगे तो इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसमें ओवर कुक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पीनट जो हमने भून के इसको पीस के रखा था वो इसमें डाल देनी है और उसके बाद इसको फिर दोबारा मिक्स करना है। आपने ये सारा प्रोसीजर धीमी आंच पे करना है। पीनट डालने के बाद इसको ज़्यादा देर भूनना नहीं पड़ेगा क्योंकि पीनट भी हमारा जो मूँगफली थी वो भी भुनी हुई थी। और अब इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ पर हमारा जो बैटर तैयार किया हुआ था दूध और चीनी का, वो इसी में डाल देना है। सब डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर इसको मज़ीद और भुनेंगे। तो माशाल्लाह हमारा जो है कोकोनट हलवा तैयार हो चुका है और इसको हम करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह हलवा हमारा तैयार हो गया और गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट की। आपके पास जो भी अवेलेबल हो फ्रूट वो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, टेस्ट लाजवाब है इसका। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।